हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसी हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी जो है वो एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसका नाम था नन्ही। इंग्लिश में आपने कहानी सुनी होगी, लिटिल रेड राइडिंग हुड। ये वही बच्ची है, इसका नाम है नन्ही। ये कहानी हिंदी में है। इसका पूरा नाम हुआ इसकी कहानी का नन्ही लाल चुन्नी। नन्ही लाल चुन्नी नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि नन्ही जो थी बहुत प्यारी सी एक बच्ची थी। उसकी उम्र होगी 6 साल, करीब 6 ईयर्स की थी। उसको रेड कलर बहुत पसंद था। वो कोई भी ड्रेस अगर है तो वो रेड कलर की पहनने में उसको मज़ा आता था। उसके पास एक चुन्नी थी, दुपट्टा था जो रेड कलर का था, वो उसको अक्सर पहन के खेलती थी। तो नन्ही लाल चुन्नी जो थी वो अपने घर में रह रही थी। उसका घर सबअर्बन एरिया में था, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, शहर के बाहर कॉलोनीज़ होती हैं उसमें था। और उसकी नानी भी उसके घर से थोड़ी दूर पे रहती थी, लेकिन उनका घर जो था वो काफ़ी लोनली एरिया में पड़ता था। और वो जो था जंगल वहाँ पे एक था, वो शुरू होता था उनके घर के पास से ही। उस दिन संडे का दिन था, छुट्टी थी नन्ही की, उसके स्कूल की छुट्टी थी। तो उसकी मम्मी ने कहा कि नन्ही जाओ नानी से मिल के आ जाओ, नानी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, उस दिन तुम स्कूल गई थी तो आई थी और बोल रही थी नन्ही को मेरे पास भेज देना, तो तुम नन्ही जाके नानी से मिल के आ जाओ और उनको जो है कुछ तोहफा भी उनके लिए ले जाना। तो नन्ही की मम्मी ने एक बास्केट में बहुत सारे फल जो नानी के पसंद के थे और मिठाइयाँ रखी उसमें, और नन्ही को बोला जाओ बेटा नानी के यहाँ होके आ जाओ। नन्ही 6 साल की थी, लेकिन वो सोसाइटी, उसके आसपास का एरिया और उसके नानी तक का घर का रास्ता बहुत सीधा था और वो अक्सर जाती थी अपनी नानी के पास। तो वो अपना उसने बास्केट उठाई, मम्मी को बाय बोला और निकल गई नानी के घर के लिए। वो चलती कूदती वो जा रही थी, अच्छा रास्ता था, खेतों में उसमें पगडंडियाँ बनी हुई थी, उसमें वो दौड़ती हुई कूदती हुई अपने बास्केट लेके नानी के घर पहुँची। नानी के घर जब वो पहुँची तो उसने देखा दरवाज़ा बंद था। उसने नॉक किया दरवाज़ा, उसने सोचा नानी आके दरवाज़ा खोलेंगी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला नॉक करने पे भी। अंदर से नानी की आवाज़ आई कि नन्ही अंदर आ जाओ। नन्ही अंदर चली गई। अंदर पहुँच के उसने रूम में देखा कि नानी बेड पे लेटी हुई हैं और उन्होंने चादर ओढ़ी हुई है, उनका थोड़ा सा फेस दिख रहा है और वो बहुत पेन में है, जैसे लग रहा है कराह रही हैं, आवाज़ कर रही हैं दर्द की वजह से। तो नन्ही ने पूछा नानी क्या हो गया आपको? तो नानी बोली कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो नन्ही ने कहा कि मम्मी ने आपके लिए फल भेजा है, मिठाई भेजी है, आप थोड़ा फल खाइए तो आपकी तबीयत अच्छी लगेगी। तो वो बोली नानी जो लेटी हुई थी कि नहीं मैं तुमसे बात करती हूँ, बाद में फल खाऊंगी, तुमसे बात करूंगी तो मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। तो वो जो थी नानी लेटी हुई वो नन्ही से पूछने लगी उसकी स्कूल की बातें या कुछ भी, ऐसी 2-4 बातें उसने की। पर नन्ही को लग रहा था कि नानी आज इतनी बदली हुई क्यों लग रही हैं, उनका चेहरा बदला हुआ है, आवाज़ भी थोड़ी बदली हुई है। तो उसने पूछा नानी से, नानी आपकी आँखें इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो गई? तो उन्होंने बोला कि बेटा आपको देख के मेरी आँखें बड़ी बड़ी हो गई, जिससे मैं आपको अच्छी तरह देख सकूँ। तो फिर उसने कहा कि नानी आपकी नाक इतनी बड़ी कैसे हो गई? वो बोली मैं बीमार हूँ इसलिए मेरा चेहरा बदल गया है, और मेरी नाक जो है वो इसलिए अच्छी हुई क्योंकि तुम अच्छी अच्छी मिठाई और फल लाए हो, तो उसको कैसे मैं सूंघूंगी, उसकी स्मेल करने के लिए मेरी नाक इतनी बड़ी हो गई है। फिर नन्ही ने पूछा कि नानी आपके दांत इतने बड़े बड़े हैं, आपका मुंह भी बहुत बड़ा सा लग रहा है, क्या बीमार होने से ऐसा हो जाता है? तो उसने कहा कि हाँ मेरा मुंह बड़ा हो गया, मेरा दांत बड़ा है, जिससे मैं तुम्हें अच्छी तरह खा सकूँ। ये सुनकर नन्ही डर गई। इतने में वो चादर हटा के नानी उठ गई, वो नानी नहीं थी,
वो एक भेड़िया था, एक आदमखोर भेड़िया था, जो एक ऐसा वुल्फ जो कि इंसानों को खाता था, और बच्चों का मांस उसको बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत सॉफ्ट होता था, बहुत टेस्टी और स्वीट होता था। तो वो उसने नन्ही को देख लिया था नानी के घर आते हुए, तो वो जंगल से भाग के आके नानी के बिस्तर पर लेट गया था। नन्ही बहुत बुरी तरह से डर गई, घबरा गई, भागने लगी इधर उधर घर के, घर में ही दरवाज़ा क्योंकि बंद था भिड़ा हुआ था। अचानक ही क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो एक लकड़हारा था जो जंगल में लकड़ी काट रहा था, और उसने आवाज़ सुन ली थी, नन्ही चिल्लाने लगी थी भेड़िए को देख के, तो वो अंदर आ गया। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से भेड़िए पे वार किया, भेड़िया घायल हो गया और वो जंगल की तरफ भाग गया। नन्ही जो थी वो नानी को ढूंढने लगी, इतने में उसने देखा कि एक अलमारी से बहुत आवाज़ आ रही है, तो जल्दी से जो लकड़हारा था उसने अलमारी जो है वो खोली, तो देखा नानी उसके अंदर है। नन्ही ने देखा, लकड़हारे ने नानी को बाहर निकाला और उनको बिस्तर पर लिटाया, उनके चेहरे पे कपड़ा बंधा हुआ था, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, सब कुछ खोला। तो नानी उठ के बैठ गई, उन्होंने नन्ही को अपने सीने से लगा लिया, वो बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की जान बच गई, मेरी नातिन की जान बच गई, और उन्होंने लकड़हारे को बहुत धन्यवाद कहा, बहुत बहुत धन्यवाद कहा। उसको कहा अगर आप नहीं आते तो आज नन्ही के साथ क्या होता पता नहीं। उन्होंने लकड़हारे को कुछ इनाम भी दिया और लकड़हारा खुश होकर वहाँ से चला गया। लकड़हारे को ये भी खुशी थी कि उसने जान बचाई एक छोटी सी बच्ची की, और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था इस तरह से नन्ही की जान बची। फिर वो नानी के साथ बैठ के बातें करने लगी और बहुत खुश थी। नानी ने उसको फिर उन्होंने फल काटे और मिठाइयाँ खाई, इस तरह से दोनों जने खुशी खुशी बातें करने लगे। लकड़हारे ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था, जान बचाई थी नन्ही की, इसलिए वो भी बहुत खुश था। और इसलिए अगर मुसीबत में कोई हो उसकी जान बचाना बहुत ही अच्छा काम होता है, भगवान उससे बहुत खुश होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप का बटन वहाँ पे साइन है उस पर आप जस्ट टैप कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करिएगा और एंजॉय करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।